नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और आज चर्चा फिर बिहार, फिर नीतीश कुमार, फिर मोदी की। और वजह यह है कि मोदी की ईडी मोदी के लिए जो काम नहीं कर पाई, किया बहुत सारे काम किए, लेकिन जो काम नहीं कर पाई पूरी तरीके से, किसी फिक्स ऑब्जेक्ट को पूरी तरह सिकंजे में नहीं ले पाई, कई बार आधा अधूरा रह गया मिशन, फजीहत भी हुई मोदी जी की। एक छोटी सी एजेंसी के जरिए नीतीश कुमार ने क्या वो काम कर दिया है? क्या नरेंद्र मोदी की गर्दन तक, या कहें उनको सिकंजे में लेने के उतने करीब अब तक कोई नहीं जा पाया था जितने करीब नीतीश कुमार पहुंच गए हैं? और नीतीश कुमार ने बड़े साइलेंटली जिस तरीके की सियासत करते हैं, चुपचाप बैठे इधर से उधर पलटते रहते हैं, नैतिकता मर्यादा सबको तार तार करते रहते हैं, वैसे ही बड़े खामोशी के साथ पर्दे के पीछे क्या बड़ा खेल खेला है, इसी पर चर्चा करेंगे। तथ्यों के साथ तर्कों को जोड़ेंगे। पहले अशोक वानखेड़े जी को जोड़ लें, कंट्रोल रूम भाव को जोड़ लीजिए, अब कुछ तथ्य और तर्क रखते हैं। बात फिर आज संसद में गूंजी, तो संसद में गूंजी हुई बात को हमारे प्लेटफॉर्म पर लाना जरूरी था और उसकी पड़ताल जरूरी थी, शायद संसद की बहस में भी ये मुद्दा आ जाए कि पर्दे के पीछे का खिलाड़ी कौन है। आज राहुल गांधी चाहते थे कि देश के युवाओं की वजह से उनको संबोधित करते हुए एक चर्चा हो जाए, चर्चा सम्मानजनक तरीके से हो, देश के यूथ को एड्रेस किया जाए और विपक्ष और सरकार एक साथ नजर आए युवाओं के हितों के। नहीं हो पाई चर्चा, किसकी रुचि है इसमें? चर्चा तो करेंगे आपातकाल पर, जो आज आपातकाल या आपातकाल है इस देश के युवाओं के लिए, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन आप राहुल पर चर्चा न करें, नीतीश पर चर्चा कर लीजिए हुजूर। अब कुछ तथ्य मैं बताता हूं, फिर भाव के पास चलूंगा, थोड़ा सा वक्त बस। एक बहुत बड़ा स्कैम कह लीजिए, पेपर लीक स्कैम, घोटाला, इसको स्कैम कहा जा सकता है, पेपर लीक भी एक स्कैम है, होता है। मोदी जी की सरकार खारिज कर देती है सिरे से, जो जिम्मेदार मंत्री है एक सिरे से नकार देते हैं। देश की ईडी और सीबीआई तो ये वो कठपुतलियां हैं जिनको वो पामेरियन बोलते हैं भाऊ, कि जब इशारा किया जाता है वहां पार्ले बिस्किट खाने जाओ तभी जाते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं चुपचाप, भोंकते भी नहीं। ऐसे में ये मामला तो खत्म हो गया होता, नीट की बात कर खत्म हो जाता। खत्म कैसे नहीं हुआ? नीतीश कुमार की एक एजेंसी, नाम है ईओयू, इकोनॉमिक ऑफिस विंग यूनिट भी बोलते हैं, आर्थिक अपराध शाखा। इस आर्थिक अपराध शाखा ने गजब का खेल किया, जितने किरदार थे एक एक किरदार को सामने लाया और कहा पहचानिए, वो पहचान कौन वाला खेल पूरा हुआ बिहार में, पटना में बैठ के। और इतना ही नहीं, ईओयू ने इस मामले को यहां तक पहुंचा दिया कि अंदर जिसकी गवाही हुई बाहर वो कैमरे पे आया, यानी कोई मैनेजमेंट भी नहीं हो सके। तो खेल तो बड़ा था, इस खेल को अभी एक एक पर्त और खोलेंगे 20-25 मिनट, लेकिन सीधे पहले भाव पास चलते हैं, उन्हीं को सुनने के लिए आप लोग पहले इस पर पहली टिप्पणी उनके सुनने के लिए आप लोग भी थोड़ा बेताब हो। भाव, नीतीश कुमार ये खामोश खिलाड़ी, ये खामोश खिलाड़ी है, नैतिकता वगैरह हो इसमें ना हो, लेकिन खामोश खिलाड़ी है। क्या पहली बार मोदी की गर्दन के सबसे करीब किसी का हाथ पहुंचा है नीतीश कुमार नाम है? देखिए आशीष, मैं सबसे पहले, आपने जो कहा कि दर्शक मैसेज करते हैं सुनने के लिए, मैं तब बोलता हूं जब मुझे कोई बुलवाता है। बुलवाता मतलब कोई पैसे देके बुलवाता नहीं, जब सामने सवाल ऐसे आते हैं जिसमें मैं फिर मुझे वो जवाब देना पड़ता है। तो ये क्रेडिट मैं आशीष को देता हूँ कि आशीष हो या दीपक शर्मा हो या फिर उस प्रज्ञा भी हो, कि जो मुझसे उगलवाते हैं बहुत सारी चीजें, मैं तो इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, विश्लेषित करता हूँ, लेकिन विषय भी मीडियम मुद्दा का, मैं आज दर्शकों को बताऊं, विषय आशीष का होता है और फिर मुझे विषय बताया जाता है, क्योंकि ये विषय वही होते हैं कि जो हम दिन भर चर्चा करते हैं उस पर। ये नीट का मामला ये मेरे दिल के पास भी है, क्योंकि मेरा बेटा जवान है, वो कॉलेज से निकला है, वो जब बात करता है अपने दोस्तों से, जो पेपर लीक की बात करता है, तो वो जो क्रोध उनके जूनियर्स के इसमें आते हैं, कई लोग मेरे बेटे को बात करते हैं कि तुम्हारे पिताजी जर्नलिस्ट है तो उनको बोलो कि इसके लिए कुछ करे, तो माता पिता फोन करते हैं कि जो पीड़ा है ना पेपर लीक होने की, ये भयावह है आशीष। और ये हमारे यहाँ जो आपने कहा
कि ये एक एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री हो चुकी है, ये एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है पेपर लीकिंग की, पेपर सॉल्वर की। ये जो है ये अरबों रुपए का इकोनॉमी है, इसमें अरबों रुपए का अर्थशास्त्र अड़ा हुआ है इसमें। इसमें वरिष्ठ नेताओं से लेके नीचे जो प्यून होता है, जो इससे पैक करता है, वहां तक की कड़ी जुड़ी हुई है। इसको आप ऐसा देखा जाए तो ये जैसा माफिया अंडरवर्ल्ड है ड्रग का, या माफिया अंडरवर्ल्ड है नकली दारू का या नकली नोटों का, वैसा ये माफिया है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये सालों से चल रहा है, मतलब एजुसेट का मैंने देखा कि उन्हें कई करोड़ एग्जाम करवाई एक केसी से, 81 से वो करोड़ों एग्जाम्स उन्होंने कंडक्ट करवाई। ये धंधा उन्हीं लोगों को क्यों जाता है? क्योंकि इसमें पैसा है, और ये पैसा लीक भी होता है। एक जगह ब्लैकलिस्ट होते तो नाम बदल के आते हैं, वही लोग प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर करते हैं, प्रधानमंत्री उनकी स्तुति भी करते हैं। लेकिन ये जो फ्रंट फेस है वो ये है कंपनी का, और पीछे जो पैसा कमाने का तंत्र है ये बहुत बड़ा माफिया है। अब आपने बहुत सही पकड़ा, और आपकी एक टिप्पणी से मैं वो नहीं करता, आज पहली बार हो गया कि जो मैं असहमति दिखाता हूं। आपने कहा कि ईडी भी नहीं कर पाई। आशीष, मैं पहले से कह रहा हूं कि ईडी हमारे यहाँ पामेरियन है, वो छू बोलने पे ही छू करती है, और जितना पकड़ना है उतना ही पकड़ती है, जितना काटना है उतना ही काटती है। मुझे आज तक ईडी का प्रोसिक्यूशन रेट क्या है मुझे बताइए। ईडी हजारों छापे करते हैं, दो लोगों को सजा होती है, और दो कोई हवाला के ट्रेडर है। आज तक मुझे एक भी नेता ईडी से सजा पाता हुआ दिखाई नहीं देता। तो ईडी ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकल यूज के लिए यूज किया जाता है। सीबीआई का प्रॉब्लम है कि कई राज्य सीबीआई को अपने यहां नहीं आने देते, ये राज्यों का प्रोरोगेटिव। इनकम टैक्स में क्लोजर रिपोर्ट हो सकती है, फाइन हो सकती है। ईडी ऐसा एक टूल है, और धन्यवाद इसका रोज देते होंगे अमित शाह जी हमारे चिदंबरम को, कि चिदंबरम की मूर्खता से ईडी में ऐसे क्लॉजेस आ गए जिसके चलते जमानत मुश्किल हो गई, और इसीलिए ईडी का खुल के उपयोग होता है। तो ईडी को ये कतई नहीं बताया जाता। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कभी भी अपने ऊपर कोई छू नहीं करवाता, अपने कुत्ते से खुद को कौन कटवाएगा। और ये जो माफिया के तार है मेरे पेपर लीकिंग के, ये मैं सर्वोच्च ऑफिस तक यदि चले जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इसके पीछे मुझे एक राजनीतिक गेम दिखता है। चलो इस राजनीतिक गेम में भला बच्चों का हो गया नीट के, क्योंकि नीट का मामला तो दब गया था। नीट का मामला, लड़कों ने वीडियो अपलोड किए, लोग कोर्ट जाने लगे थे, लेकिन सरकार ने हाथ ऊपर कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पेपर लीक ही नहीं हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला ठीक है तो अफिडेविट दे देते, सरकार झूठ अफिडेविट देने में तो बहुत माहिर है। और आपने देखा होगा कि कैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अफिडेविट दिया था कि हम डाटा दे ही नहीं पाएंगे, 4 महीने लगेंगे, और कैसा डाटा फटाफट आ गया एक झटके में। तो झूठ अफिडेविट देने में सरकारें माहिर है, क्योंकि अब झूठ ही कैरेक्टर हो गया है। तो सरकार ने कहा कि नीट का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सरकार बैकफुट पे क्यों आई? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट का जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसके पास अथाह ताकत है। ये ताकत मध्य प्रदेश में आपको दिखती है, छत्तीसगढ़ में आपको दिखती है, ये आपको महाराष्ट्र में दिखती है, तमिलनाडु में, केरल में, यूपी और बिहार में पता नहीं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऐसा क्यों भंग खा के पड़ा होता है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऐसा एक यूनिट है पुलिस का, जो जहां जहां पैसे का लेन देन है वहां वो एंट्री कर सकता है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के सैकड़ों मामले आपने देखा होगा कि उज्जैन में एक प्यून के यहाँ 2 करोड़ रुपए मिल गए थे, वो भी ईओडब्ल्यू के छापे थे। ईओडब्ल्यू बोला तो बड़े बड़े पसीने आते हैं, पुलिस को, सीआईडी को, सबको पसीने आते हैं, क्योंकि वो कहीं भी आपको बता देते हैं कि ये पैसा तुमने लिया है। तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो मरा हुआ है बिहार का, मुझे लगता है जब से वो ईओडब्ल्यू बना है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, तब से पहली बार ढंग का काम किया जो नीट में उन्होंने हाथ डाला। ये बिहार का ईओडब्ल्यू है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, ये नीतीश कुमार जी के अंडर काम करने वाला एक तबका है, जिसने एनईईटी को एक्सप्लोर करके लोगों को पकड़ना शुरू किया। और उनकी, अच्छा, उनको ये पता था
ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं ही नहीं मानता, क्योंकि मैं इतने साल से हम भी एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, कई आईपीएस आईएएस अधिकारी दोस्त होते हैं, वो हमको सब पता है, ये कभी भी ये इंफॉर्मेशन लीक नहीं करते। ये इंफॉर्मेशन लीक इसलिए की जाती है कि ऊपर से कोई प्रेशर नहीं आए। तो क्या नीतीश कुमार ने ईओडब्ल्यू से एनईटी एक्सप्लोर करवाया, पहले इन्वेस्टिगेट करवाया, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का सामान मिलता गया, जैसे जैसे प्रूफ मिलते गए, वैसा वैसा वो मीडिया में सिस्टमैटिकली लीक करते गए, ताकि सनद रहे ये हुआ है, ताकि सनद रहे ये लोग पकड़े गए थे, ताकि सनद रहे ये प्रूफ मिले थे, ताकि सनद रहे ये गेस्ट हाउस बुक हुआ था, ताकि सनद रहे इसमें पेपर सॉल्व हो गया था। ये लगातार मीडिया में आने से और सरकार द्वारा इसका खंडन न करने से ये पुख्ता जानकारी हो गई, और जब पुख्ता जानकारी सार्वजनिक हो गई तो फिर लिपापोती करने में मुश्किल ही मतलब नामुमकिन। और उस सार्वजनिक करने की वजह से केंद्र सरकार बैकफुट पे आ गई, और केंद्र सरकार ने माना कि हाँ ये हमने किया। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे परतें खुलने लगी, अब बीजेपी के एमएलए इसमें घुसने लगे। बीजेपी का एक मंत्री जो बहुत ही नजदीकी बताता है अपने आप को, राजभर साहब जो बहुत नजदीकी बताते हैं गृह मंत्री के, अमित शाह जी के खास बताते हैं, और वो तो योगी योगी को तो कुछ मानते ही नहीं मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो कहते कि मैं सीधा दिल्ली से बात करता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन आज सुनने में आया सुबह सुबह योगी ने उनको बुलाया है, ये जो भाषण करके गए ना वो, ये मेरा चेला है धनीराम, और ये जो है ये इसने 2.5-3 लाख इसके चेले नौकरी कर रहे सरकारी, आप तो बस कॉल लेटर मुझे बता दीजिए आने के बाद, आप कॉल लेटर आने पे कॉल कीजिए, नौकरी पक्की। ये मार्केटिंग करता है ये कैबिनेट मिनिस्टर एक माफिया के लिए। कॉल लेटर आने के बाद जब आदमी कॉल करेगा तो उसको ये भी बताया जाएगा कि इसमें पैसे कितने लगते हैं, फ्री में तो नहीं होगा। तो ये ऑफिशियली मार्केटिंग हो गया, मतलब कितना दमघोटा खुल गया इन लोगों का। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, अमित शाह ही साथ में है तो क्या मतलब है। मैं ये नहीं मानता कि अमित शाह इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अमित शाह का वर्द वो जिस पे सर पे आशीर्वाद है, जिस पे हस्त है, वो आदमी कितने लेवल तक जा सकता है, ये बात सबके सामने आई है, वीडियो है, ये लोगों के पब्लिक डोमेन में चीज है। नहीं, अभी अभी आपने कहा अमित शाह इन्वॉल्व हैं या मोदी हैं नहीं है, इस पर हम नकारेंगे भी नहीं और हम कहेंगे भी नहीं कि शामिल हैं, लेकिन कुछ तथ्य फिर लाऊंगा। कुछ तथ्य जरूरी है, दर्शकों के लिए जानना जरूरी है, इस देश के लिए जानना जरूरी है। नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे थे, नीतीश कुमार को 2005 से 2024 तक जिसने भी देखा है सबको पता है, हमेशा सहयोगी दलों के साथ मतलब गठबंधन की सरकार चलाए हैं, लेकिन अफसरशाही उन्हीं के कंट्रोल में रही है। आज भी भाजपा इसीलिए बेचैन है कि किस तरीके से हम बिहार की अफसरशाही को अपने हाथ में ले पाए। अफसरशाही कभी भी नीतीश से हट करके सहयोगी दल के कभी भी कब्जे में या इन्फ्लुएंस में नहीं गई, और ये जांच हुई। अब आते हैं कि ये जांच जाएगी कहां तक, जिसकी चर्चा भी छेड़ दी भाऊ ने कि अमित शाह पे तो हम नहीं कह सकते या मोदी जी पर नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, लेकिन जाएगी कहां तक। EOU यानी EOW EOU अलग अलग राज्यों का है ना, उसकी जांच के निशाने पर अब NTA के चीफ जिनको सरकार ने हटाया, जैसे ही नीट का मामला आया, सुबोध कुमार सिंह NTA का चीफ बनाया भी था उनको केंद्र सरकार ने, मोदी की सरकार ने, और हटाया भी उसने, वो भी निशाने पर। दरअसल अब सिर्फ उनकी चर्चा नहीं कि संजीव मुखिया कौन है और जीवा कौन है और दुनिया भर के पिंटू कौन है, चिंटू कौन है, उनकी पिंटू चिंटू से आगे मामला बढ़ चुका है, क्योंकि पिंटू चिंटू पर ही अब तमाम मीडिया हाउस बात कर। बात NTA पर होनी चाहिए। NTA की एक रिपोर्ट अभी चर्चा शुरू करने से पहले मैंने देखा, एक ऑब्जर्वर बनाता है NTA, इसका काम ही जो कार्य प्रणाली है ये ऑब्जर्वर बनाता है। वो ऑब्जर्वर सबसे पावरफुल होता है, एक सेंटर का मालिक होता है, वही ऑब्जर्वर स्ट्रांग रूम से पेपर निकालता है, वही ऑब्जर्वर किस कमरे में कौन निरीक्षक होगा वो नियुक्त करता है, वही ऑब्जर्वर वहां का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, कोई गड़बड़ी रुके सब कुछ वो देखता है। NTA ने ऑब्जर्वर, तीन ऑब्जर्वरों का नमूना बताता हूँ। NTA ने कोटक महिंद्रा बैंक में क्रेडिट कार्ड बेचने वाली नेहा मित्तल को ऑब्जर्वर बनाया।
कोटक महिंद्रा बैंक में क्रेडिट कार्ड बेचने का काम करती हैं। इनकी आईडी भी बता दूं, एनटीए की आईडी है, इनकी एनटीए आईडी है TA050482। ये कोटक महिंद्रा में क्रेडिट कार्ड बेचती हैं, जबकि ऑब्जर्वर बनाने का जो नियम है सामान्य बोर्ड परीक्षाओं में, बीएड के एंट्रेंस में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, यहाँ पर भी किसी प्राइवेट स्कूल के अध्यापक तक को ऑब्जर्वर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का अगर कोई अध्यापक है तो उसकी जवाबदेही नहीं तय कर सकती सरकार, कभी भी नहीं। मान्यता प्राप्त स्कूल का ही टीचर होगा तो ऑब्जर्वर बनेगा, यहाँ तक या सरकारी स्कूल या मान्यता प्राप्त। कोटक महिंद्रा बैंक में क्रेडिट कार्ड बेचने वाली, तब तो मॉल में मैं जाता हूँ, भाव जाते हैं, कितने क्रेडिट कार्ड हर कदम पर, सोचिए सब ऑब्जर्वर होंगे कल को एनटीए के। ये देश की परीक्षा प्रणाली है, 2017 में बनाया था देश के वित्त मंत्री ने, इसी सरकार में एनटीए का गठन हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल, एक प्राइवेट कॉलेज में वार्डन है रवि आनंद, ये कई परीक्षाओं में ऑब्जर्वर रह चुके हैं, प्राइवेट कॉलेज में वार्डन है, इनकी एनटीए की आईडी है NTA TA 02964। अब तीसरा सुनिए और भी चौंकेंगे, एनटीए के सीनियर डायरेक्टर एग्जामिनेशन के पद पर हैं कर्नल बी विजय कुमार, सीनियर डायरेक्टर एग्जामिनेशन। इनकी पत्नी है राम्या विजय कुमार, ये भी दर्जनों परीक्षाओं में ऑब्जर्वर रह चुकी हैं, इनकी एनटीए आईडी है NTA TA 05679। जबकि ऑब्जर्वर के चयन में यह भी ध्यान में रखना होता है कि किसी के रिश्तेदार ना हो, जो ऑब्जर्वर है उसका कोई रिश्तेदार ना परीक्षा दे रहा हो, कोई भाई भतीजी भांजी कुछ भी। ये एनटीए जिस बात को भाव ने चर्चा में लाया, वहां से जुड़ गया मामला कि अमित शाह तक या ऊपर तक कहां तक जाएगा, और नीतीश कुमार को इसीलिए इस चर्चा में हम लाए थे कि ये जांच जाएगी कहां तक। सुबोध कुमार सिंह भी अब जांच के निशाने पर हैं, और सीबीआई अब कोशिश कर रही है, कोशिश क्या प्रक्रिया शुरू कर दिया है कि ईओयू को इस जांच से बाहर किया जाए, अब पूरी जांच सीबीआई करे। क्या कहां से कहां पहुंच गए देखिए देखिए आशीष जी, मैटर इतना बाहर आ चुका है तो सीबीआई भी इसको कहां नकारेगी। देखिए ईओयू जो कहते हैं बिहार में उसको, मैं ईओडब्ल्यू कहता था, ईओयू है, उसने इतना मैटर बाहर फेंक दिया है पब्लिक डोमेन में कि अब वो चर्चा का विषय हो गया कि घपला तो हुआ, लोगों के नाम है, सब सब डिटेल्स है, अब सीबीआई को डिटेल ही लेनी है। ईओयू को तो अब बाहर भी कर दिया तो डैमेज हैज बीन डन, दूध में नींबू निचोड़ा गया है, अब आप कितना भी उसको बाहर करो वो पनीर ही बनेगा, दूध फटना तय है, नींबू निचोड़ा गया है, तो अब ये पनीर बनने में टाइम कितना लगेगा, क्योंकि सीबीआई के हाथ में गया तो सीबीआई इसको लटकाएगी। अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या हत्या है ये सीबीआई नहीं बता पाया, हमारे यहाँ सीबीआई भी बहुत बड़ी घोर, मतलब सीबीआई का भी प्रोसिक्यूशन डेट जबरदस्त है, इन एजेंसी में बड़ी बड़ी नाम है सीबीआई, और लोग क्या सोचते हैं, और बस सिर्फ नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना ही सीबीआई का काम, अरबों रुपए का जहां खेल है वहां सीबीआई बहुत आराम से जाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के 100 करोड़ के पीछे सीबीआई हाथ धोके पड़ी है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल, और ऐसे कई है, मधेपुरा कांड, बैंक कांड में तो पता ही नहीं पड़ा 1600 करोड़ रुपए कहां गए, तो अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। हमारे देश में ये अद्भुत देश है, जो लोग पहले करते इतना जादू टोना सपेरों का देश है, ये आज भी जादू टोना होता है भाई, 1600 करोड़ रुपए गायब ही हो गए, पता ही नहीं पड़ रहा है, अभी तक नहीं पता पड़ रहा है, सब एक दूसरे को क्लीन चिट देके बैठ गए। महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ खर्चा हुए, ढेरे भर का पानी नहीं मिला किसी को, पैसे कहां गए अभी तक पता है ना, अजित पवार ने खाए ना किसी ने खाए, बस पैसे ऐसे हवा में गायब हो गए। यह अद्भुत देश है, यहां करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हर घर में लैट्रिन होगी होगी, गड्ढे गड्ढे खुदे हैं, और आज भी खुले में शौच के लिए लोग जा रहे हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरा एक गांव भारतवर्ष में नहीं बचा जिसमें बिजली नहीं पहुंची होगी, और ये हमने क्रेडिट करके दिखाया, 70 साल जो नहीं हुआ, 75 साल जो नहीं हुआ, जो हमने करके दिखाया, गांव गांव बिजली गई, अब एक गांव नहीं बचा। इतने में द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बनती है तो पता पड़ता है कि उनके गांव में आज खंभे पहुंचे, क्योंकि उनके गांव में अभी तक बिजली थी नहीं, जब पता पड़ता है तो सैकड़ों गांव इस देश में ऐसे बिजली नहीं, लेकिन पूरे गांव में बिजली थी, घर घर में नल दिया,
बोलने में किसके बाप का क्या जाता है, जबानी तो हिलानी है, जबानी जमा खर्च करना है तो करे। यही हो रहा है इस देश में, और उस जबानी जमा खर्च को राष्ट्रीय उपलब्धि बोलने के लिए बहुत बड़ा बैंड पीछे खड़ा है, लेकिन कुछ लोग आईना दिखाने वाले भी हमारे जैसे। तो मैं ये कह रहा था कि जिन, यदि इसको डिटेल में जाए तो एक तो कंपनी, हमने न्यूज लॉन्चर पे स्टोरी भी की है, एक तो जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसमें CSIR जो है उसने एग्जाम उसी कंपनियों से ये करवाई, कंडक्ट करवाई जिसको बाकी राज्य ने ब्लैकलिस्ट किया, जिसका एक डायरेक्टर जेल जा चुका है इसी फ्रॉड में, उन्हें नाम बदल के फिर आ गए और उसको काम दिया ही, और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये हालत है, और प्रधानमंत्री के साथ वो स्टेज भी शेयर करता है, और प्रधानमंत्री जी भाषण में उनका नाम भी लेते हैं। तो मैंने कहा ना कि तार कहां कहां जुड़ेंगे, और प्रधानमंत्री जी जिसको कहे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या किसी की औकात है उस पर हाथ डालेगा कोई? लेकिन आपके इस पूरे प्रचंड जो आपने ये कुल ये रचा है, ये जो टोटल नाटक, जो एग्जाम लेने का, एग्जाम देने का, तीन पारी ऑर्डर करने का, इसको सस्पेंड करने का, एक को निकाला उसके जगह व्यापक घोटाले का हीरो लाके बिठा दिया, यह हमें अब ऐसा आदमी चाहिए जिसने बड़े बड़े घोटाले किए हो सकता है चोर के हाथ में चाबी देने से भी काम हो जाए, कि घोटाले करने वाले को हेड बना दो तो सारा घोटाला नहीं होगा। लेकिन फिर मैं नीचे जाता हूं, छोड़ दीजिए ये राजनीति, छोड़ दीजिए इनका, उन बच्चों का क्या गुनाह आशीष, उस बच्चों के भविष्य पे जो प्रश्न चिन्ह लगा है उनका क्या दोष, वो क्यों देश से प्यार करें, मुझे बताइए एक कारण बताइए। आज के जो बच्चे हैं, जो बारहवीं बच्चा जो बारहवीं कर रहा है, कॉलेज का फर्स्ट ईयर कर रहा है, जो ग्रेजुएट होके नौकरी की एग्जाम दे रहा है, उसके पेपर लीक हो रहे हैं, कॉल लेटर नहीं मिल रहे, लोग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में किसान के बेटे की नदी में कूद गया हो और चिट्ठी लिख के गया कि कब तक एग्जाम कैंसिल करते रहोगे, कब तक नौकरी का इंतजार करता रहूंगा, माँ बाप का तकलीफ देख झेली नहीं जाती, कर्जा ले लेके पढ़ाया है मुझे, अब मैं उनका कर्जा भी नहीं उतार पा रहा, उसने फॉर्म भरा और एग्जाम कैंसिल हो गई, तो उसने जीवन जीना समाप्त कर दी, 22 साल का लड़का क्यों देश से प्यार करेगा? इसलिए प्यार करेगा कि संगोल लेके जा रहे हम सामने, संगोल संस्कृति का द्योतक, संगोल को गाली मत दो, ये ही ये है राम मंदिर, महाकाल लोक, शिवजी कॉरिडोर, ये देखूं, G20 की चांदी की थाली देखूं, प्रधानमंत्री की मन की बात सुनूं, मेरे मन की बात, इनकी ये क्यों प्यार करे देश से, एक सवाल मैं आज सबके सामने छोड़ के जा रहा हूं। आज की युवा पीढ़ी इस देश से क्यों प्यार करे, सिर्फ यहां जन्म लिया? यदि वो ये कहे कि मैंने जन्म गलत जगह पे लिया है, जहां थोड़ा एजुकेशन ठीक से नहीं है, जहां स्कूल नहीं ठीक से है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ता है, सरकारी स्कूल महाराष्ट्र में 65,000 स्कूल गोद दे दिए उद्योगपतियों के, जहां के सरकारी स्कूल चलाने की स्थिति में नहीं है, पुलिस में यदि प्राइवेटली जॉब भरे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को लिया जाता है, 5-5 साल हो जाती है एग्जाम दिए, कॉल लेटर नहीं आते हैं, किस लिए? मेरे लिए क्या है? यदि आज मैं 20 साल का युवा हूं तो मेरे लिए इस देश ने क्या किया? क्या मेरे हाथ में आपने एक मोबाइल थमा दिया और देखो कि देखो रील बनाओ, रील बनाओ, रील इंस्टाग्राम पे रील बना के डालो या IPL देखो, ये है भविष्य। गुजरात में 11 पेपर लीक हुए, 210 लोगों को अरेस्ट हुआ, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं। ये गुजरात मॉडल है आशीष विकास का, और फिर क्यों अपेक्षा करें हम उन बच्चों से? क्यों बच्चा हाथ में हथियार नहीं उठाएगा?
हम कहते हैं कि नक्सलिज्म गलत है, मैं भी कहता हूं कि गलत है, मेरा देश हिंसा का नहीं है, ना मेरी संस्कृति हिंसा की नहीं है, लेकिन उनको हिंसा के लिए प्रवृत्त कौन कर रहा है? कभी इसमें भी तो जाइए, उनकी क्या गलती है? आज चार नक्सलियों को पकड़ के पूछिए कि उसने बंदूक क्यों उठाई। चंबल के बिहार में जो लोग डकैत बने हैं उनको पूछिए डकैत क्यों बने। राजनीति में तो लोग धंधे के लिए आते होंगे, पैसा कमाने के लिए आते होंगे। 5 साल में एक सांसद अपनी प्रॉपर्टी दुगनी कर लेता है, विधायक अपनी प्रॉपर्टी दुगनी कर लेता है, मुंबई और ठाणे के कॉर्पोरेटर करोड़पति अब्जपति बन जाते हैं, साइकिल वाले फॉर्च्यूनर पे घूमते हैं। राजनीति धंधा हो सकता है, नक्सलिज्म धंधा है क्या? क्यों जंगल में मारे मारे फिरते हैं? और वो विद्रोही क्यों हुए? पान सिंह तोमर की फिल्म आती है, लोग देखो ओटीटी पे जाके, एक एथलीट क्यों बंदूक हाथ में उठाता है? बच्चों के भविष्य पे आप सवाल, और उस पे आज पार्लियामेंट में सबसे बड़ी ये है हमारी पंचायत है, उसमें इस देश के बच्चों के भविष्य पे विचार विमर्श नहीं होगा तो काय पे होगा? हिंदू राष्ट्र के नारे लगाने के लिए वो जगह है क्या, या फिलिस्तानी जय बोलने के लिए जगह है क्या? बंद कर देनी चाहिए ये दुकानें, यदि देश की समस्याओं पे यहां चर्चा नहीं होती तो। राष्ट्रपति के अभिभाषण के से ज्यादा महत्वपूर्ण झूठ के पुलिंदों पे डिस्कस होने के बजाय देश में वास्तविकता जो है उस पर डिस्कस होना चाहिए। करोड़ों रुपए खर्चा होता है पार्लियामेंट पे, एक एक घंटे का करोड़ों रुपए का खर्चा है, और कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच के नहीं आता, ये हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है। गरीब किसान वो भी टैक्स देता है, जब बीज खरीदता है, जब डीजल खरीदता है, साइकिल रिक्शा वाला भी टैक्स देता है, जब वो ब्रेड खरीदता है, बिस्किट खरीदता है, क्योंकि उससे ज्यादा वो कुछ खरीद भी नहीं सकता, एक 5 रुपए का एक बिस्किट का पैक लेके दिन भर निकालता है, उससे भी टैक्स लेते हैं आप। पार्लियामेंट में बैठने के पहले हर सांसद को अपनी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, पर आप इसमें बात करने को तैयार नहीं हो। भाऊ सांसद तो बात करना चाहते थे, तो स्पीकर साहब ने कहा आगे करेंगे बात अभी रूटीन मुद्दों पर, क्योंकि मुझे लगता है कि ओम बिरला इनके भी घर में नौकरियों की कहानी आई थी, क्या क्या कहें, मनसुख मांडविया के भी घर में इसी जो है MBBS में एडमिशन की कहानी आई थी, इन्हें क्या फर्क है नीट पे। अब मैं इस चर्चा को खत्म करते हैं, लेकिन एक बात, अब गंभीर चर्चा में कुछ तंज कभी थोड़ा हल्के भी होते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, और भाऊ ने अभी बहुत तीखे शब्द इस्तेमाल किए, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं तो बहुत सारे लोग जब बाहर जाते हैं और कुछ लोग ज्योतिष के जानकार भी मिल जाते हैं तो कहते हैं जरा भैया हाथ दिखाना, अपना जेल जाने की तो रेखा नहीं है। नीतीश कुमार भी कुछ दिन पहले हाथ पकड़ रहे थे मोदी जी का मंच पे, और उन्हीं की यो कर रही है काम। बहुत लोग टुक्के लगाए थे, मुझे आज समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार हाथ में रेखा देख रहे थे कि जेल जाने वाली रेखा है कि नहीं मोदी जी के हाथ में, यही समझ में आया है। अब वो नीतीश कुमार ने देख लिया होगा, बताते नहीं है वो अक्सर, जो देखते हैं बताते नहीं, जो बताते हैं वो देखा हुआ नहीं होता है। उम्मीद करेंगे चर्चा हो। कमेंट में करना चाहूंगा, हम किसी के लिए नहीं बात करते, हमारे लिए कोई रोल मॉडल नहीं है, नहीं है। नीतीश अच्छा काम करेंगे तो नीतीश अच्छे हैं, नीतीश बुरा काम करेंगे तो नीतीश बुरे हैं। बिल्कुल, नीतीश ने इस तानाशाही सरकार के खिलाफ विपक्ष को इकट्ठा करने का प्रयास किया तो हमने नीतीश को क्रेडिट दिया कि ये नीतीश कुमारी है जो इंडिया गठबंधन को इकट्ठा कर पाए, लेकिन वो यू टर्न करके वो चले गए तो फिर हमने नीतीश को गद्दार भी कहा, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों को इकट्ठा किया उन्हीं की पीठ में छुरा घोप के उधर चले गए, गद्दार का। आज हम फिर नीतीश को साधुवाद देते हैं क्योंकि नीट जैसे इतने बड़े स्कैंडल को उन्होंने जिंदा रखा नहीं, उन्होंने जन्म दिया, नहीं तो ये ऑपरेशन हो जाता, पता भी नहीं पड़ता, ये गर्भपात हो जाता इस पूरे कांड का, और हम भूल जाते। लेकिन नीतीश ने
बड़े मेहनत से डिलीवरी करवाई। अभी जो बच्चा रो रहा है ना, इसकी आवाज से कईयों को तकलीफ हो रही, और ये बच्चा आवाज गूंजेगी इस बच्चे की, क्योंकि ये स्कैंडल है, ये पाप है, ये पाप है। और पाप जब चिल्लाता है तो वातावरण सिहर जाता है। होगा, मैंने कहा ना कि विपक्ष को भी इस देश की समस्याओं पे विपक्ष भी नहीं बोलेगा तो फिर विपक्ष के जैसा पुरुषत्वहीन सेक्टर होगा नहीं। विपक्ष को कम से कम अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सरकार पे अंकुश करे और समाज में जो कुकर्म हो रहे हैं उसका पाढ़ा पढ़े, सरकार उसको ठीक करे। हमारी अपेक्षा क्या है? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा नहीं मांग रहा, मैं सरकार गिराने की बात नहीं कर रहा, मैं इस देश में पेपर लीक का जो इतना बड़ा माफिया है अब्जों रुपए का, उसे ध्वस्त करने के, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद क्या हो रहा है हमने देखा, सर्जिकल स्ट्राइक कुछ ऐसे भी होनी चाहिए। और अपेक्षा इस सरकार से है, यदि ये सरकार बच्चों के भविष्य के लिए बोलती है, प्रधानमंत्री ये ना बताए बच्चों को कि एग्जाम कैसी दे, प्रधानमंत्री को बच्चों को कम से कम आश्वस्त करे कि पेपर लीक नहीं होगा, इस बात की तो आश्वस्त। जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो तो करते नहीं, फालतू तो माइक सामने आते से ही उनको बोलने की भड़ास आ जाती है और शुरू हो जाते हैं। मत बताइए बच्चों को एग्जाम कैसे देना है, वो करने के लिए बहुत लोग हैं। पेपर लीक ना हो इसका ख्याल रखिएगा, इसकी गारंटी करवाना कैसे है, एग्जाम करवाना कैसे है? एग्जाम करवाने की गारंटी दीजिएगा। बहुत मोदी की गारंटी कह रहे थे आप, गारंटी ये दे दीजिएगा और फेल मत होइएगा गारंटी। नहीं, लेकिन अब ये है कि इस बच्चे को आपने कहा ना कि जन्म ले चुका है बच्चा, और बच्चा नवजात जब रोता है ना तो पूरी रात सोने नहीं देता है, तो ये बच्चा ये मोदी जी को प्रधानमंत्री जी को सोने नहीं देगा, सोने नहीं देगा। तब सोने के पाओगे जब बच्चे को सुकून से सुला पाओगे, बच्चे को जब नींद आएगी तभी सो पाओगे मोदी जी। और बच्चे को सुलाने के लिए लोरी सुनानी पड़ती है, तो आपको नीट पर बोलना पड़ेगा, संसद में बोलना पड़ेगा, वही लोरी है। जब आप बोलोगे तब इन बच्चों को लगेगा कि हाँ प्रधानमंत्री ने बोला है, उस बोलने में आप क्या बोलते हो वो भी देखा जाएगा। लोरी हाँ, के बजाय लेकिन ये 2000 सुनाने बच्चा नहीं सोता। हाँ, ये 2024 की सरकार है बैसाखी वाली। हाँ, इसमें सिर्फ बोलने से काम नहीं करेगा चलेगा, जो आप बोलोगे उसको क्रियान्वयन भी करना होगा, नहीं तो फिर नीतीश कुमार की ईओयू लगी हुई है। बाकी नीतीश कुमार की ईओयू अभी देखते हैं कि क्या क्या पिटारे में है, उनके पास क्या क्या सबूत है, सब रखा ही होगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। सवाल थोड़े से हो सकता है इसमें, हम लोग के चर्चाओं में सरकार गिरती नहीं है कि रोज गिरा दिया, आज गिराया एक पार्टी से कल दूसरी पार्टी से, रोज वो सब नहीं करेंगे हम लोग। थोड़ा सा हो सकता है आपको रोचकता कम लगे, मसाला कम मिले, थोड़े व्यू कम आए, कोई बात नहीं, चलेगी गाड़ी। लेकिन इन गंभीर मुद्दों पर जो लोग चाहते हैं कि देश में बहस हो, बात हो, वो अपना प्यार विश्वास हमारे साथ बनाए रखें। कल फिर मिलेंगे दोपहर में, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। इजाजत दीजिए, नमस्कार।